हमारे साथ चौपाल के मंच पर अब मौजूद हैं आमिर खान एंड किरण राव. प्लीज वेलकम आमिर. आप तो यहाँ जो पैक्ड हॉल है वो नहीं देख पा रहे हैं, पर सब लोग इंतजार कर रहे हैं आप दोनों को सुनने का. और मैं ये जानता हूँ पर्सनली तौर पर, क्योंकि लास्ट टाइम जब बात हुई थी, कि किरण तभी इंटरव्यू पे आती हैं जब उनके पास कुछ कहने को होता है. सिर्फ आमिर खान के साथ वो आएंगी इंटरव्यू में, वो ऐसा मना करती हैं. इसलिए आज जो वो आई हैं तो ज़रूर उनके पास कुछ कहने को है. और साफ लग रहा है कि वो लापता लेडीज़ के बारे में है, उनकी डायरेक्शन में फिल्म आने वाली है. क्या मैं सही कह रहा हूँ किरण जी? जी बिल्कुल किशोर जी, थैंक यू कि आपने बुलाया और हम आज लापता लेडीज की बात कर पाएंगे. एक्चुअली पहली दफा आप लोग बात कर रहे हैं पब्लिकली अबाउट इट. जी हां जी हां. और लोग तो कह रहे हैं कि लापता खुशी है. जी वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर पीपल टू वॉच द फिल्म. आई थिंक किरण ने बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है और हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि लोग कब फिल्म देखेंगे. 1 मार्च को जब लगेगी तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पीपल वॉचिंग इट. अब ये लोग तो ये कह रहे हैं कि लापता लेडीज तो आएगी 1 मार्च को, लेकिन लापता तो आमिर खान थे. अब आमिर खान वापस आ चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में? जी हाँ किशोर, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताऊं. लगातार इतने साल मैं मसरूफ रहा अपने काम में और खोया रहा, तो ये पिछले 2 साल का मैंने अच्छा इस्तेमाल किया है. अपने फैमिली के साथ खूब वक्त गुजारा, एक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सबके साथ, और अब मैं काम करने के लिए तैयार हूँ. हाल ही में मेरी शूटिंग शुरू हुई है, मेरी फिल्म की, अगली फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है 1 फरवरी को. 4 ही दिन हुए हैं. जी जी. तो किरण जी, ये आमिर खान का ब्रेक था जिसकी वजह से आप अपनी फिल्म में आमिर खान को नहीं ले पाई, या ये कैरेक्टर को सूट नहीं कर रहे थे? क्योंकि आमिर खान आपके पास अवेलेबल हो और आप ना लें फिल्म में, ये समझ में नहीं आता. जी एक्चुअली आमिर बहुत चाह रहे थे इस रोल में वो, मैं उनको लूं. इनफैक्ट उन्होंने बहुत ही अच्छा एक स्क्रीन टेस्ट भी किया था. स्क्रीन टेस्ट आप इतना अच्छा नहीं था इसलिए मुझे नहीं लिया गया. आपने आमिर खान से स्क्रीन टेस्ट दिलवाया? नहीं बिल्कुल नहीं. हाँ एक्चुअली एक तरह से मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा पीरियड फिल्म है, थोड़ा रूरल फिल्म है, और मुझे आमिर को इस रोल में देखना, आई वाज ट्राइंग टू गेट माय हेड अराउंड इट कि वो कैसे बैठेंगे इस रोल में. तो आमिर ने कहा मैं पूरा करके दिखाता हूँ तुम देखना. तो बाकायदा कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के, लाइन सीख के उन्होंने बहुत ही उम्दा टेस्ट दी. पर हम लोग फिर भी फेल हो गया मैं भाई. भी फेल हो गया. बड़ी कोशिश की मैंने. नहीं नहीं. और उस दोनों की डिसीजन थी एक्चुअली. जब मैंने रवि जी की का नेम सजेस्ट किया था आमिर को, तो आमिर को भी लगा कि एक्चुअली जो ऑथेंटिसिटी, जो एक तरह से रियलिज्म जो रवि जी लाते हैं, और रवि इज अ फैंटास्टिक एक्टर हिमसेल्फ, और बहुत ही बेहतरीन किया उन्होंने. बल्कि जब मैं फिल्म आज देखता हूं तो मुझे भी खुशी होती है कि अच्छा हुआ मैंने नहीं किया, रवि ने किया, बहुत बेहतरीन किया. ही इज डन मच बेटर देन मी. एंड स्क्रीन टेस्ट भी उनका भी लिया गया, मेरा भी लिया गया जी. और आपने उनको चुना, तो ही वॉज द बेस्ट मैन फॉर द रोल. आई वॉज सेकेंड बेस्ट. तो यानी ये ये फिल्म में अब हम रवि किशन को देखें तो ये मान के देखें कि ये रोल आमिर खान चाहते थे लेकिन वो रिजेक्ट हो गए और रवि किशन को ये रोल मिला. करना चाह रहे थे लेकिन मिला नहीं. हाँ अच्छा ये बताइए. लेकिन बहुत बढ़िया रोल आमिर खान को. आमिर खान प्रोड्यूसर तो हैं ही, और प्रोड्यूसर होने के नाते भी हमने देखा है कि वो फिल्म में पूरी तरह घुसे तो रहते ही हैं. तो वो अपने परफेक्शनिज्म से परेशान किया इन्होंने आपको इस फिल्म में भी किरण जी? बिल्कुल नहीं. एक्चुअली इस फिल्म में उन्होंने मुझे पूरी छूट दे दी. जब हमने स्नेहा देसाई को चुना स्क्रिप्ट लिखने और फिर जब हमने फाइनल ड्राफ्ट बनाया तो आमिर को दिखाया, और आमिर को जब स्क्रिप्ट पसंद आई, हम सबको अच्छी लगी, उसके बाद ही ओनली केम इन एट सर्टन टाइम्स. उन्होंने कास्टिंग में उन्होंने एक तरह से ही जस्ट वॉन्टेड टू सी वॉट आर वी बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ अ कास्ट. इस सर्टन पॉइंट्स पे वो आए,
और उसके बाद ही लेफ्ट इट टू मी एक्चुअली ही डिडंट किशोर जी कुछ और पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं मैं कितना इंटरफेयर करता हूँ, ये वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जवाब दे देता हूँ किशोर जी। एक्चुअली मैं जिस तरह काम करता हूँ, जब मुझे, मैं हमेशा डायरेक्टर बहुत केयरफुली चुनता हूँ, और एक दफा डायरेक्टर मैंने चुन लिया है तो फिर मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूँ। नहीं नहीं, डायरेक्टर आपने चुना या डायरेक्टर ने, और डायरेक्टर ने आपको चुना है एज अ प्रोड्यूसर? नहीं नहीं, पहले तो एज ए प्रोड्यूसर मुझे चुनना पड़ा ना, मैंने एक्चुअली चुनने की बात ही नहीं थी, मुझे पता था कि किरण जो है वो कई सालों से फिल्म बनाना चाह रही हैं, और उन्होंने खुद अगली अपनी कुछ 5-6 एक स्क्रिप्ट खुद लिखी हुई हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां हैं, लेकिन वो खुश नहीं थी, वो हमेशा कहती थी कि नहीं मुझे अभी ये नहीं बनानी है, कुछ और चाहिए कुछ और चाहिए। तो मेरे नज़र में एक कहानी आई, एक स्क्रिप्ट आई जो बिप्लब ने लिखी है, तो वो स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद आई, और मैंने किरण को एक दिन कहा कि ये एक स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी है जो बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है आपको ये बनानी चाहिए, ये आपकी अगली फिल्म होनी चाहिए। तो फिर उनको भी पसंद आई खूब, और फिर उन्होंने उस पर काम शुरू किया, और मैं एक्चुअली सेट पे तो एक दिन भी नहीं आया, और शूटिंग इन लोगों ने बहुत बेहतरीन की, और जब फिल्म तैयार हुई तब मैंने देखी, एडिट पे थोड़ा बहुत बैठा हूं मैं, बट इट्स फिल्म, इट्स एंटायरली किरण्स फिल्म। अच्छा ये बताइए कि क्योंकि फिल्म मैंने देखी है, अभी लोगों ने नहीं देखी है यहां पर फिल्म, अरे हाँ किशोर आपने तो फिल्म देख लीजिए, आप ये तो बताइए भाई कैसी लगी फिल्म आपको? नहीं फिल्म मैं आपको बताता हूँ, फिल्म एक ऐसी लगी कि जिसमें नाम लापता लेडीज है लेकिन महिलाएं अपने आप को खोजती दिखी मुझे उसमें। मुझे ऐसा लगा कि एक फेमिनिज्म जो था वो दिख रहा था, वो ओवर द टॉप फेमिनिज्म नहीं है। बाकी तो लोग जज करेंगे इसको जब फिल्म रिलीज होगी। ये बताइए कि किरण जी क्या आपने ये स्क्रिप्ट इसलिए या फिल्मों में जिस तरीके से महिलाओं को किरदार दिए जाते हैं उससे तो बिल्कुल अलग है ये, क्या अब ऑडियंस बदल रही है, ये कॉन्फिडेंस था आपके अंदर? जी जरूर, मुझे कॉन्फिडेंस है कि ऑडियंसेस देखना चाहते हैं फ्रेश स्टोरीज, अलग नज़रिए से जो डायरेक्टर्स आते हैं उनकी कहानियाँ, तो मुझे लगता है कि लोग तैयार हैं अलग अलग कहानियों को आजमाने, और ये मुझे लगता है लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें कॉमेडी भी है ड्रामा भी है, आई एम होपिंग कि काफ़ी लोग पसंद करेंगे। एक्चुअली किरण जी ने जो अपनी पहली फिल्म बनाई धोबी घाट, वो काफी ऑफ बीट किस्म की फिल्म है। जी जी, और मुझे हमेशा लगता था कि किरण के अंदर एक थोड़ा मेन स्ट्रीम डायरेक्टर छुपा हुआ है जो बाहर आने से थोड़ा शर्मा रहा है। तो मैंने उनको एक स्क्रिप्ट दी जो जिसमें से अब वो उनके अंदर का जो शैतान है वो बाहर आ गया। अच्छा ये बताइए, इसमें जो प्रदेश बताया गया है फिक्शनल प्रदेश, लेकिन शूटिंग आपने सीहोर में क्यों की, मध्य प्रदेश में क्यों की? एक्चुअली हमने काफी जगहों के रेकीज किए थे और फोटोज मंगाए थे अलग अलग जगह से, लेकिन हमें एमपी में हमारे सारे एक्चुअली लोकेशंस मिल गए, हमें नदी चाहिए थी, हमको गांव चाहिए थे, एक टाउन का मार्केट जो था वो चाहिए थे, तो सारे लोकेशंस एमपी में मिले, और एमपी बहुत ही एक्चुअली टूरिज्म और जो सहूलियत गवर्नमेंट देती है वो बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, दे मेड अ वेरी गुड सिस्टम फॉर फिल्म्स एंड मेड इट इजी फॉर फिल्म्स, और बहुत सुंदर लोकेशंस हैं एमपी में, तो हमें एक्चुअली, और एक तरह से हमारे जो बैकग्राउंड एक्टर्स हैं उनकी कास्टिंग भी हमारे लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि वहाँ के लोग काफी लोग ड्रामा ग्रुप्स से थे, तो हमने वहाँ से कास्टिंग की, इंदौर से, जबलपुर से, भोपाल से, तो एक तरह से कास्टिंग जो हमारा थोड़ा भोजपुरी हिंदी डायलेक्ट हमने यूज किया है फिल्म में वो बोलने में उनको इजी लगा, तो एक्चुअली सब तरह से हमें इजी ही हो गया एमपी में शूट करने में। आमिर अब आप किस तरह की फिल्में, आप मेन स्ट्रीम फिल्में ही करना चाहेंगे ब्रेक के बाद, और या उसी तरीके से करना चाहेंगे जैसा पहले कर रहे थे, या कोई नया आमिर खान आमिर 2.0 देखेंगे? एक्चुअली मैं तो हमेशा वैसे ही
जो जो कहानी मुझे पसंद आती है मैं वही करता हूँ, आपको तो पता है किशोर। तो जैसे मैं पहले काम कर रहा था मैं वैसे ही करूंगा, मुझे जो कहानी पसंद आएगी, जो चीज मेरे दिल को छू लेगी मैं करना चाहूंगा, तो मैं वही कर रहा हूँ। नहीं तो वो रोमांटिक हीरो वाली कहानियां अगर अब भी आएंगी तो अब भी करेंगे आप? हाँ मतलब इस एज में अगर वो सूटेबल कहानी होगी इस एज में रोमांस थोड़ा अनकॉमन होता है। ये हाँ अच्छा, आपने रोमांस की तो बात कहानी के हिसाब से अगर जी। मैं सूट करूंगा कैरेक्टर में तो क्यों नहीं करना चाहूंगा, हर हर जॉनर करना चाहूंगा, अच्छा अब ये बताइए, ये बट आपके एज वाइज थोड़ा सूटेबल होना चाहिए। आपके सडनली मैं आपके 18 साल का हो गया हूँ, वो नहीं करना चाहूंगा। जैसे पानी फाउंडेशन है या बाकी लोग जो आपके साथ रहते हैं उनको तो चीज़ समझ में आती है, जो बाकी फैंस हैं, मैं ट्रोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरे फैंस हैं जो आमिर खान को जानते हैं, किरण जी को जानते हैं, उनको ये कैसे, उनको ये समझ में नहीं आता कि आप लोग काम अभी भी साथ में कैसे कर रहे थे, क्या उसमें दिक्कत नहीं आती है जब आप कहते हैं कि पर्सनली अब हम साथ में नहीं हैं? अच्छा क्यों हमारा डिवोर्स हो गया उसके बाद हम क्यों अभी भी, मतलब ये कोई डॉक्टर ने कहा है कि डिवोर्स हो जाए तो आप लोग फौरन दुश्मन हो जाते हैं मुझे लगता है कि ये हमारी खुशनसीबी है, मेरी खुशनसीबी है कि मेरे जिंदगी में किरण आई और हमारा सफर बहुत ही फुलफिलिंग रहा मेरे लिए और बहुत कुछ हमने बनाया साथ में पर्सनली और प्रोफेशनली, और आगे भी हम साथ में ही हैं, हम इंसानी तौर पे जुड़े हुए हैं और जज्बाती तौर पे जुड़े हुए हैं और हमेशा रहेंगे, वी आर लाइक अ फैमिली। किरण आपको एक भी साथ काम करने जी? में मजा भी आता है हमें दोनों हाँ दोनों को। आई थिंक किरण इज अ वंडरफुल माइंड, उनका जो इंटेलिजेंस है उनका जो और फिर दो चार दफा डांट दे दी है मुझे तो उसमें भी मजा आता नहीं है वो हाँ डांट अभी भी वैसे ही पड़ रही तो है। द वर्क वी डू इन पानी, द वर्क वी डू इन फिल्म, इट्स ऑल वर्क विच आई थिंक बोथ ऑफ अस आर वेरी एक्साइटेड अबाउट एंड इट रियली हम लोग मजा आता है उसमें काम करने में। चलिए तो वो जो मुझे याद है लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आप दोनों ने एक बहुत इंसिस्ट करने पर थोड़ा सा दो लाइन डुएट गाया था। ओ गाना, अच्छा मुझे तो गाना और बहुत पसंद है, मैं फौरन गा लूंगा हाँ ठीक है, और डुएट हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको मैं बताऊं आजकल मैं सिंगिंग सीख रहा हूं, हाँ। नहीं ड्यूएट, हाँ ड्यूएट ही होगा, ड्यूएट ही होगा। मैं पहले आपको बताऊं, ये देखिए ये जो धागा आप देख रहे हैं ना, ये मैंने ऑफिशियली सुचेता जी मेरी गुरु हैं, मैं अच्छा उनका शिष्य बना हूं, उन्होंने ये धागा बांधा है और मैं उनसे गाना सीख रहा हूँ इंडियन क्लासिकल, कुछ 4-6 महीने से सीख रहा हूँ मैं। हाँ तो डेफिनेटली कौन सा गाना गाना है भाई आप किशोर जी की आप फरमाइश फरमाइश करिए, मैं तो कोई भी गाना गा लूंगा। यहाँ पे हमारे पास ऑडियंस इतनी है, वो तो फरमाइशों की झड़ी लगा देगी, आप जो सबसे अच्छा गा सकते हो वो गा दीजिए। अच्छा यू हैव टू चूज वन वेयर आई नो द वर्ड्स। ये किरण की फिल्म का गाना गाऊं मैं वो, लेकिन ऑडियंस से सुना नहीं हाँ, है, सुना नहीं। बहुत बहुत बेहतरीन गाना है, मैं गाता हूँ उसमें नहीं क्या नहीं है। हाँ, अच्छा लगेगा पब्लिक को। ओके आसिफ साहब बोलते थे, उनका डायलॉग था पब्लिक बैठेगी तो मैं गाता हूँ आप देखिए। धीमे धीमे चले पुरवैया बोले थाम तू मेरी भैया संग चल मेरे रोके क्यों जिया हो धीमे धीमे चले पुरवैया। पुरवैया अच्छा एक और गाना है जो बहुत डेडली है, डाउट हुआ उसका क्या स्टार्ट किया, वो मैं गाऊंगा इनके बहुत लिए। ज्यादा शेडी है हाँ क्या 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 वो गाना एक्चुअली लड़की के ऊपर है वो, डाउट हुआ व्हाट इज डाउट हुआ आज रिलीज होने वाला है हाँ वो व्हाट इज द वैसे। हुक लाइन, मन करता है हाँ मन करता है शाउट हुआ ई कनिया पे है डाउट हुआ हाँ अच्छा गाना। तो किशोर ये बताइए, थक गए होंगे हमारी सिंगिंग वो थोड़ा सुनकर मुश्किल गाना, वो गा नहीं पाऊंगा मैं अच्छा, नहीं, यहाँ पर सब लोग इसी आप चेहरे क्योंकि रिएक्शंस देख नहीं पा रहे हैं इसलिए शायद आपको लग रहा होगा, लेकिन सब लोग इसी जी। कॉन्वर्सेशन की वेट कर रहे थे। ये बताइए चलते चलते
फिल्म लापता लेडीज तो है ही, इस देश के लोगों को और आपको क्या सोसाइटी बदलती हुई दिख रही है, क्या ऑडियंस बदलती हुई दिख रही है? आई थिंक सोसाइटी और ऑडियंस तो हमेशा बदलती रहती है, कोई एक वक्त नहीं है जब वो स्थिर रहती है या थम जाती है। हम सब चेंज होते रहते हैं, हम सब बदलते रहते हैं, हम सब ग्रो होते रहते हैं, तो वो तो एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। एंड एज अ क्रिएटिव पर्सन वी हैव टू ग्रो विद द ऑडियंस एंड आई थिंक दैट्स एंड द ऑडियंस हैज टू ग्रो विद अस आई गेस। जी किरण जी, पर मुझे लगता है एक तरह से लोग जो हैं, लोगों का जो इमोशनल मेकअप है, एक तरह से जो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, वो एट बेस बहुत जल्दी बदलते नहीं है। हाँ हाँ, जैसे मैंने अर्थशास्त्र जो पढ़ी है, जो चाणक्य जी ने लिखी है 2000 साल पहले, वो आप अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इंसान इतना बदला नहीं है, वो हम लोग मोरलेस वही हैं, 2000 साल में हम हैं वही बेसिकली। वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई लेकिन हमारी कैफियत, हमारी फितरत, ज्यादा उसमें तब्दीली नहीं आई है, ऐसा मुझे लगता है। जी हाँ, फितरत इंसान की नहीं बदलती। खैर, शायद यहाँ पे ऑडियंस तो यही चाहेगी कि एक्टर आमिर भी आने के बाद आमिर 2.0 में भी ना बदलें और वैसे ही सबको एंटरटेन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर एंड किरण जी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। चौपाल में आप तालियों की गूंज वहाँ तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन यहाँ स्वागत आपका और बहुत बहुत धन्यवाद।